हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 मॉडल पेपर 2022 लेकर आए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी एवं हमारे वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं वर्ग 3 मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 मॉडल पेपर 2022, पहला प्रश्न देखिए साथियों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, संगति की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। इन चारों में से उत्तर देखिए, नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। आगे प्रश्न देखिए साथियों, अहम निर्देशित होता है, इसके भी चार ऑप्शन देखिए, वास्तविकता, सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सुख के द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। इसका उत्तर देखिए साथियों, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। आगे प्रश्न देखें, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, इसके ऑप्शन देखें, नवीनता, अवधि, रुचि, आकार। इसका सही उत्तर है रुचि। अगला प्रश्न देखें, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, इसके ऑप्शन देखें, ध्वनि, प्रतिध्वनि, वर्ण, वाणी। इसका उत्तर है वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखें, पहला दारा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता। इसका सही उत्तर है दारा। अगला प्रश्न देखें, जड़ का विलोम शब्द क्या है? इसके ऑप्शन देखें, पेड़, पहाड़, चेतन, संसार। सही उत्तर है इसका चेतन। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? इसके ऑप्शन देखें, कलकत्ता से, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न देखें, विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके ऑप्शन देखें, 3, 4, 2, 5। सही उत्तर इसका है 4। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संधि विच्छेद सही है? मही धन इंद्र, नदी धन ईश, वधू धन उत्सव, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, जली कटी सुनाना मुहावरा का अर्थ है? इसके ऑप्शन देखिए, सत्य बोलना, बुरा भला बोलना, आप्त वचन बोलना, शास्त्र सम्मत कहना। इसका उत्तर है बुरा भला कहना। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत। इसका उत्तर है तालु। अगला प्रश्न देखें, भिगोने के कारण दोलनों की आवृत्ति कैसे बदलती है? तो इसके ऑप्शन है, यह बदलता नहीं है, यह बढ़ जाता है, यह घट जाती है, यह हल्की भिगोनों के कारण बढ़ता है और भारी भिगोनों के कारण घटता है। इसका सही उत्तर है यह घट जाती है।
अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध दूरी में पाया जाता है। इसके ऑप्शन देखिए, बेंजीन, हीरा, ग्रेफाइट, एसिटिलीन। इसका सही उत्तर है एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखिए, बसा और तेल है। ऑप्शन देखिए, पॉलीथाइट्रिक अल्कोहल, ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन, लिक्विड कमजोर कार्बोजिलिक एसिड। इसका उत्तर है कमजोर कार्बोजिलिक एसिड। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है। ऑप्शन है लोहा, चांदी, अमोनियम, सोडियम। सही उत्तर इसका चांदी। अगला प्रश्न, पेरिस में वजन और माप के ब्यूरो में रखे गए एक मीटर के मानक राड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु है। इसके ऑप्शन है, पहला कॉपर जस्ता, नंबर दो टिन लोहे, नंबर तीन प्लेटिनम एरिजिडियम, नंबर चार निकेल क्रोमियम। देखी जाने वाली नसें कार्य करती है, ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, भंडारण, प्रभायकल्प। सही उत्तर है इसका प्रभायकल्प। अगला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी। इसका उत्तर है सरीसृप। अगला प्रश्न है, सबसे कम ऊर्जा वाले मूल ऊर्जा है। ऑप्शन देखें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग विकिरण। इसका सही उत्तर है दृश्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन देखें, तत्वों, यौगिकों, मिश्रण, यौगिक और मिश्रण। सही उत्तर है इसका मिश्रण। अगला प्रश्न है, 505 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 अंश के कोण पर टिका हुआ है, तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसमें भी चार ऑप्शन है, 20.36 मीटर, 12.99 मीटर, 14 मीटर, 18 मीटर। इसका सही उत्तर है 12.99 मीटर। अगला प्रश्न है, मुकेश और राकेश अच्छा बेचने पर 25% लाभ कमाना चाहता है। मुकेश बिक्री मूल्य पर लागत मूल्य, जबकि राकेश पर यह गणना लाभ से दोनों रुपए किया जा रहा है। अर्जित में अंतर 100 रुपये और बिक्री मूल्य दोनों ही मामलों में ही किया जा रहा है। दोनों माल की बिक्री कीमत पता चला है, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें। इसके ऑप्शन देखिए, 1500, 1200, 1400, 2000। इसका सही उत्तर है 2000। अगला प्रश्न है, 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक हैं। तो इसमें ऑप्शन है 135, 140, 125, 315। इसका उत्तर है 135। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है त्रिभुज है। ऑप्शन है समकोण, निम्न कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक कोण। अगला प्रश्न है, एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1×10^13 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश 3.0×10^5 किलोमीटर / सेकंड की गति से चलता है,
ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसके ऑप्शन है 2.7 × 108, 2.7 × 1011, 7.5 × 104, 7.5 × 103। इसका सही उत्तर है 2.7 × 108। अगला प्रश्न है, रामू कहता है अजय की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, अजय रामू से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन देखिए, पुत्र, भांजा, ममेरा भाई, दादा। इसका सही उत्तर है भांजा। अगला प्रश्न है, दिनेश का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है, वह फिर दाई घूमता है, अग्र 30 मीटर की दूरी तय करता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। इसका सही उत्तर है पूरब। अगला प्रश्न है, एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 लोग 18 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 15 लोगों को 12 दिनों में से इस काम को पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए। इसका ऑप्शन है 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। इसका उत्तर है 6 घंटे। अगला प्रश्न है, एक बोतल दूध से भरी है, एक तिहाई दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, बोतल में दूध तथा पानी का अंतिम अनुपात क्या है। इसमें अनुपात निकालना है, इसमें अनुपात देखिए आप, इसमें 8:19, 8:8, 8:27, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 8:19। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का वर्ग 2 संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 46.09, 45.09, 48.09, 47.09। इसका सही उत्तर है 45.09। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी पहुंचता है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। इसके ऑप्शन देखिए, नंबर 1 52, नंबर 2 58, नंबर 3 50, नंबर 4 29। इसका सही उत्तर है 50। अगला प्रश्न है, एक कार एक दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी 15/2 घंटे में तय की जाती, यह दूरी कितनी है। इसमें ऑप्शन दिया है 234 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 900 किलोमीटर और 890 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 480 किलोमीटर। इस प्रकार साथियों, एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के क्वेश्चन मॉडल पेपर का अध्ययन हमारे चैनल द्वारा किया गया। इस प्रकार आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में देखने को मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।